नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। हम आपको लेकर चल रहे हैं चित्रकूट की ओर। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में शासकीय नेत्र सर्जनों की दो दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। आपको बताते चलें खबर चित्रकूट से, जहां चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के डिप्टी डायरेक्टर व स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अंशुल उपाध्याय के नेतृत्व में सरकारी अस्पतालों में नेत्र सर्जरी में गुणवत्ता लाने के लिए संत रणछोड़दास जी महाराज द्वारा स्थापित सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड चित्रकूट में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में साइट सेवर इंडिया की भी सहभागिता रही। आपको बता दें, इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के 15 जिलों के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक ने कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में साइट सेवर की ओर से साइट सेवर टेक्निकल लीड डॉक्टर संदीप बुटन एवं स्टेट प्रोग्राम लीड जय श्री कुमार एवं सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से निदेशक डॉक्टर बीके जैन, डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर राजेश जोशी, डॉक्टर आशीष बजाज और अन्य चिकित्सकों ने नेत्र सर्जरी में गुणवत्ता, क्षमता और कार्यकुशलता जैसे तमाम विषयों पर अपनी जानकारियां साझा की। वहीं दो दिवसीय कार्यशाला के समापन के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंशुल उपाध्याय और श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर बीके जैन ने 15 जिलों से गुणवत्ता प्रशिक्षण लेने आए सभी नेत्र सर्जनों से कहा कि हम सब नेत्र रोगियों के लिए ही काम कर रहे हैं। हम सबका संकल्प और उद्देश्य होना चाहिए कि हम अंधत्व निवारण पर अपने देश के नेत्र रोगियों के लिए कितना बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। इस सोच के साथ अगर हम सब काम करेंगे तभी हमारे नेत्र रोगियों के लिए और अपने देश के लिए सच्ची सेवा होगी। प्रयाग एक्सप्रेस में उसके लिए चित्रकूट से संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। और कुछ लोग नहीं आ पाए, जैसा कि मैंने आपसे फीडबैक, टीम क्या कर रही है, उसको प्रिवेंस ब्लाइंडनेस को कैसे कम करेगी, इसकी एक सोच होनी चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी ये कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं कि सफल सक्सेस होगी। नहीं तो सिर्फ हम आए घूमे और चले। अगर इसको वास्तविकता में देखना हो और आपको अपना रिजल्ट देखना होगा, हमने 22-23 में क्या किया, अब हम 23-24 में हम क्या करेंगे, 24-25 में हम क्या करेंगे, ऐसी सोच लेके जाए। और आपको ऐसे अच्छे लीडर मिले हुए हैं, SPO अंशुल उपाध्याय जैसे, उनके साथ आप पर्सनल बात करिए, मीटिंग के अंदर करिए, अलग से करिए। उनकी भी सोच ऐसी है कि हम मध्य प्रदेश में बेस्ट से बेस्ट काम करें। बस मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, आप जिस ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए और सफलता को, और गुरुदेव कामता रहता आपके साथ में। इसी के साथ आपने बहुत सी बारीकी सी, मतलब इसको देखा हमको ऐसा लग रहा है बहुत दो ही दिन था, लेकिन जो आपने हमको बताया बहुत छोटे छोटे से पॉइंट थे और आप सीख के जा रहे हैं, और वो ये भी आपने प्रॉमिस किया कि हम जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब तक आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उसमें आप लीडर बनिए, सिर्फ ऑप्थल्मिक सर्जन नहीं, और आप तय करके जाइए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, हमारा प्रिविलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस कितना है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कैटरेक्ट हैं, कितने डायबिटिक रेटिनोपैथी के केस हैं, कितने ग्लोकोमा के, जो आपका फार्मूला है उससे आप पहले देखिए। पी स्टेट के सारे गवर्नमेंट आई सर्जन्स के लिए कार्यशाला आयोजित की थी। इसका उद्देश्य ये था कि इन्होंने जो अभी तक सीखा है, जो सीख के अप्लाई कर चुके हैं, और अब उनका नॉलेज अपडेट करना कि कैसे वो अपने जो काम कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में उसके काम को किस तरह से और बेहतर कर पाएं। तो एक तरीके से एक अपग्रेडेशन था उनका स्किल्स का, प्लस टेक्नोलॉजी क्या नहीं लगा सकते हैं, प्लस सिस्टम्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हीं सभी का एक अपडेशन था, एक रिफ्रेशर कोर्स था। इस कार्यशाला में लगभग मध्य प्रदेश के कितने जिले के डॉक्टर सम्मिलित हुए? आज इस कार्यशाला में 15 जिलों के डॉक्टर्स आए थे यहाँ पर, और उन्होंने ये सब अटेंड किया प्रोग्राम, और